हेलो दोस्तों, 28-29 अक्टूबर टेट परीक्षा समाप्त होते ही सामने आ रहे हैं लीक होने के सबूत। यूपी की हर परीक्षा को लगभग इससे गुजरना ही होता है। एक तो पेपर देखकर हालत पहले ही ख़राब है और ये अब लीक होने की खबरें विद्यार्थियों को और परेशान कर रही हैं। ये आपके सामने कुछ खबरें हैं। PET में 28 अभ्यर्थियों को नकल करते हुए पकड़ा गया है। 18 जिलों से 27 सॉल्वरों को पकड़ा गया है और एक कानपुर से दोबारा परीक्षा दे रहे अभ्यर्थी को गिरफ्तार किया गया है। रविवार को लगभग 63% लोगों ने परीक्षा में शामिल हुए थे और 37% लोगों ने परीक्षा छोड़ी थी। इसके साथ ही मथुरा में 2 सॉल्वरों को पकड़ा गया है। इन सभी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फेशियल रिकग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से पकड़ा गया है। इसके साथ ही एक और खबर सामने आ रही है। PET में पहले दिन 6 लाख से ज़्यादा लोगों ने छोड़ी परीक्षा। 21 सॉल्वरों को पहले दिन गिरफ्तार किया गया था और ये कानपुर रेलवे स्टेशन पर शनिवार को PET अभ्यर्थियों का ये सीन है, जो PET परीक्षा देने आए थे। इसी के साथ आपकी टेट परीक्षा को लेकर क्या राय है? क्या टेट परीक्षा देना सही है? इससे क्या भर्तियाँ निकलती हैं कि नहीं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लें। धन्यवाद।